खेरला जोगीपुर रोड पर होमगार्ड ने पहले अपनी पत्नी को मारी गोली, फिर अपने सिर में गोली मारकर कर ली जीवन लीला समाप्त। पुन्हाना के नकनपुर का रहने वाला है मृतक जुनैद, पुलिस जांच में जुटी। नूह मेवात जिले के खेरला जोगीपुर रोड पर एक होमगार्ड द्वारा पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार जुनैद निवासी नकनपुर व उसकी पत्नी आलिया पिछले 7 माह से नूह शहर के वार्ड नंबर 8 राजेंद्र उर्फ निशु के मकान में किराए पर रह रहा था। वही जुनैद नकनपुर पुन्हाना का रहने वाला है तो उसकी पत्नी आलिया दिल्ली सीलमपुर की रहने वाली है। अभी जुनैद व आलिया की शादी को 7 माह ही हुए थे, वह दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। वही जुनैद नूह पुलिस में होमगार्ड लगा हुआ था। जुनैद ने 2 शादियां की हुई थी, एक बीवी आलिया को शहर में रखता था तो वही दूसरी बीवी अंजुम को गांव में रखता था। नूह शहर के वार्ड नंबर 8 के राजेंद्र उर्फ निशु के मकान में पति पत्नी के रूप में रह रहे जुनैद की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। वही उसकी पत्नी आलिया बुरी तरह घायल हो गई। वहीं उन्हें नलहर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें ट्रॉमा सेंटर दिल्ली भेजा गया है। फिलहाल सफदरजंग हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि होमगार्ड जुनैद व उसकी पत्नी आलिया के बीच कहासुनी हुई थी। अचानक आवाज आती है, फिर भगदड़ शुरू हो जाती है। जब मकान मालकिन ने पता किया तो उन्हें कुछ नहीं बताया गया। मृतक होमगार्ड जुनैद अपने भाई मुनफेद को आवाज लगाता है। दोनों भाई आलिया को खून से लथपथ लेकर भागते हैं। वहीं स्विफ्ट गाड़ी में जुनैद को सर में गोली लगने के कारण मृत पाया जाता है और देशी कट्टा उसके हाथ में मिलता है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर सुधीर तनेजा घटनास्थल पर पहुंचे, सारी घटना का जायजा लिया। वही स्विफ्ट गाड़ी नंबर HR70D4435 में जुनैद नाम के होमगार्ड पुलिस को गोली लगने के कारण मृत अवस्था में मिला है। वहीं डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचकर सारे मामले का जायजा लिया है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड जुनैद की पहली बीवी अंजुम उम्र लगभग 22 वर्ष आलिमेट गांव की थी। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का मिनशाद 7 वर्ष, वही लड़की मिनशी उम्र 4 वर्ष के करीब बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जुनैद अपनी पहली पत्नी अंजुम के घरेलू कलह के कारण परेशान था। वही नकनपुर पुन्हाना में आलिमेट गांव के लोगों ने आकर जहां लड़ाई झगड़ा करते हुए यहां तक गोली चलाने की भी बात सामने आ रही है। डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि जुनैद निवासी नकनपुर पुन्हाना नूह पुलिस में होमगार्ड के पद पर तैनात था। बताया जा रहा घरेलू कलह के चलते उन्होंने पहले अपनी पत्नी आलिया को गोली मारी है, जिनकी हालत अभी गंभीर है, वह ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में भर्ती है। वहीं जुनैद खेरला जोगीपुर रोड पर स्विफ्ट गाड़ी में मृत अवस्था में मिला है, जिसके सर पर गोली लगी हुई है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच में लगी हुई है। वहीं मृतक जुनैद का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। नूह से संवाददाता साहुन खान की रिपोर्ट। खेरला जोगीपुर रोड के ऊपर एक कार है HR70D4435, जिसके अंदर एक मृत व्यक्ति पड़ा है, जिसके हाथ में कट्टा भी है और गोली मार के अपने राइट हेड पे। और अभी ये जांच का विषय है और पता भी चला है कि इसकी पत्नी को भी गोली लगी है। वो नल्लड़ हॉस्पिटल में है और उसको कहीं रेफर भी कर दिया है। अभी ये प्रारंभिक जांच है और अभी हम इसके घर पे शहर में मौका देखने भी जाएंगे कि वहाँ क्या हालात थे, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। तो अभी ये प्रारंभिक जांच है, जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है। अभी ये स्टार्ट ही है, अभी हम आए हैं, बाकी पता लगा रहे हैं।